हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो होटल लॉकडाउन में बंद करवाए वहीं पर पैंथर ने जन्मे शावक। निर्माणाधीन बंद होटल में दिया शावकों को जन्म। विभाग ने लगाए ट्रेप कैमरा। जोधपुर के बाद पाली में भी कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बीच अरावली की वादियों से अच्छी खबर आई है। यहां मादा पैंथर ने शावकों को जन्म दिया है। पैंथर ने प्रजनन के लिए रणकपुर क्षेत्र के एक निर्माणाधीन होटल को चुना है जहाँ लॉकडाउन के कारण निर्माण बंद करवाया था। हालांकि वन विभाग ने यहाँ ट्रेप कैमरा लगा दिए है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। दरअसल कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र तो वैसे ही वन जीवों के लिहाज से आबाद है, लेकिन कोरोना की आपदा के बीच लगाए गए लॉकडाउन में रणकपुर सड़क मार्ग पर स्थित एक होटल का निर्माण कार्य बंद करवाया था। यहाँ हलचल नहीं होते देख मादा पैंथर ने प्रजनन के लिए इसे उचित माना और शावकों को जन्म दे दिया। जब इस बंद पड़ी निर्माणाधीन होटल में पैंथर के विचरण की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वन विभाग ने अपने स्तर पर पता लगवाया। इसमें पुष्टि हुई तो वन विभाग ने यहाँ पर 3 ट्रेप कैमरा लगवाए हैं, साथ ही यहाँ पर नजर भी रखी जा रही है। साथ होटल को अपने संरक्षण में ले लिया है। वन विभाग जुटा रेस्क्यू करने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वन क्षेत्र की सादड़ी रेंज में पैंथर के शावकों के साथ नजर आने पर वन विभाग रेस्क्यू करने की कवायद में जुटा है। यहां पर कैमरा लगवाए गए हैं, साथ ही पूरी नजर रखी जा रही है। सादड़ी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।